वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने फॉक्सकॉन कंपनी के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद किया। रंगारेड्डी जिले के कोंगारा कलां में वाक़े फॉक्सकॉन के दफ्तर में वज़ीर-ए-आला ने वज़ीर इंडस्ट्री श्रीधर बाबू के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आला ने कंपनी के नुमाइंदों से फॉक्सकॉन कंपनी के क़याम के कामों से मुतालिक मालूमात हासिल की। उन्होंने फॉक्सकॉन कंपनी के चेयरमैन से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की और कंपनी को दरकार बुनियादी सहूलतों की फराहमी का तहखुन दिया। मूसा नदी के आबगीर इलाकों में 100 से जायद मकानात के मालिकी ने तेलंगाना हाईकोर्ट से मकानात को मुनहदम न करने के सिलसिले में हुक्म इल्तवा हासिल कर लिया है। चेतनिया पूरी कॉलोनी और दीगर इलाकों के मकानात के मालिकी ने अपने मकानात पर बैनर्स और पोस्टर्स लगाते हुए कहा है कि उन्होंने इस सिलसिले में अदालती अहकाम हासिल किए हैं। ये इकदाम रेवेन्यू और मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अहदेदारों के सामने आया जो मंगल से मूसा नदी के आबगीर इलाकों में इनहदामी कार्रवाई को दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहे थे। कारवान के मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मुहिद्दीन ने मोंडा मार्केट की एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के वाक़े पर रद्द में जाहिर किया। उन्होंने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की। उन्होंने इस सिलसिले में एक वीडियो में हुकूमत से मुतालबा किया कि इस वाक़े के मुजरमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ईरोजो तेलावर जामना मोंडा मार्केट लोने मुत्यालम्मा टेंपल लो जरिगिना घटनानु एएमआईएम पार्टी तीव्रंगा खंडिस्तुंदी। इन्नी देवालयालु मस्जिदुलु दर्गालनु भद्रता पेंचालनी एएमआईएम पार्टी तरपुन मेमु प्रभुत्वानी ఉన్నంత పోలీస్ అధికారులను డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఈరోజు ఈ ఘటన జరగడం చాలా బాధాకరం। ఈ ఘటనను చాలా బాధాకరం కాబట్టి ఈ ఘటనను సూత్రధారి ఎవరు ఉన్నా ఎంతమంది ఉన్నా దాని చాలా లోతులు పోయి దీని విచారించాలని డిమాండ్ ఎంఐఎం పార్టీ తరఫున చేయడం జరుగుతుంది। ఇంతటి వారైనా ఈ ఘటనను ఎవరున్నా ఈ సూత్రధారి దీన్ని ఇంకా వాళ్ళను చాలా సీరియస్గా తీసుకొని దీనిని ఎంతటి వారైనా ఈ ఘటన చేసిన వాళ్ళని చాలా కఠినంగా శిక్ష ఇవ్వాలని ఎంఐఎం పార్టీ డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఈ డిమాండ్ మా రాష్ట్ర తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ఉన్నంత తెలంగాణ రాష్ట్ర పోలీస్ అధికారులకి మేము ఎంఐఎం పార్టీ డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। ఈ ఘటన రాష్ట్రానికి కాదు ఏ ఎవరికైనా కానీ చాలా బాధాకరంగా మేము చెప్పడం మా ఎంఐఎం పార్టీ డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది। గదర్ సినీ అవార్డ్ కమిటీ కా పహలా ఇజ్లాస్ రియాసతీ సెక్రటేరియట్ మే మునఖిద్ కియా గయా। ఇస్ ఇజ్లాస్ కి సదారత్ డిప్టీ చీఫ్ మినిస్టర్ మల్లు భట్టి విక్రమార్కా నే షిర్కత్ కి। ఇస్ ఇజ్లాస్ మే तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर गदर को अजीम शख्सियत करार दिया गया और उनकी खिदमात को याद किया गया। रियासती हुकूमत तेलंगाना फिल्म इंडस्ट्रीज़ का काफ़ी एहतराम करती है और इस इंडस्ट्री को आलमी सतह पर उभरने की ज़रूरत है। कागज़ नगर शहर में दुर्गा जुलूस के दौरान अशरार ने मामूली बहस व तकरार के बाद फिर खवाराना कशीदगी की कोशिश की और जू सेंटर में तोड़फोड़ करते हुए 36,000 रुपये लूट लिए। अशरार ने मुस्लिम नौजवानों पर हमला भी कर दिया। इस वाक़े पर मजलिस के शदीद एहतजाज के बाद पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए 14 अफराद को रिमांड कर दिया। शहर में दुर्गा जुलूस निकाला जा रहा था। इस मौके पर मामूली बहस को बुनियाद बनाकर अशरार ने फयाज जू सेंटर में तोड़फोड़ करते हुए दुकान का सामान सड़क पर फेंक दिया और
दुकान में मौजूद 36,000 रुपए लूट लिए। शरार ने शिकायत कुनिंदा उनके भाई मोहम्मद रियाज पर हमला करते हुए शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। अशरार के हमले के दौरान सब इंस्पेक्टर ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए अशरार को रोक दिया और पुलिस की गाड़ी में जख्मी रियाज को दवाखाना पहुंचाया गया। जैसे ही इस वाकये की इतला सदर मजलिस कागज़ नगर अब्दुल मुबीन को मिली, फौरी उन्होंने मुकामी मजलिस के कायदीन और कारकुनों के अलावा मुकामी मुसलमानों के साथ फयाज जू सेंटर ओवरब्रिज पहुँच कर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया और अशरार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। एहतजाज का सिलसिला रात 3 बजे तक जारी रहा। बाद अजां उन्होंने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP के इल्म में यहाँ के हालात लाए। उन्होंने रुकन असेंबली कौसर मुहीउद्दीन से शहर के हालात पर तफसीली बात की, जिन्होंने फौरी जिला SP से बात करते हुए अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। सिद्दीपेट जिले के नल्ला पोचम्मा गली में नौजवानों ने शराब के नशे में हंगामा आराई करते हुए एक नौजवान की बुरी तरह पिटाई कर दी। मुकामी अफराद ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत नौजवानों ने उनकी एक ना सुनी। जख्मी नौजवान को मुकामी सरकारी दवाखाना ले जाया गया और इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की गई। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात के शदीद बारिश के इंतबाह के पेश नज़र चेन्नई में मुख्तलिफ मुकाम पर एहतियाती इकदाम किए गए हैं। चेन्नई के वेलाचेरी के आसपास के अफराद ने अपनी कारें फ्लाईओवर पर खड़ी कर दी हैं, जिसके सबब ट्रैफिक पुलिस ने इन नए गाड़ियों को चालाना किया है। हाल ही में शदीद बारिश और सैलाब की वजह से गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। यही वजह है कि मोटरसाइकिल सवार अपनी गाड़ियों की हिफाजत के लिए फ्लाईओवर पर पार्किंग कर रहे हैं। हुजूराबाद के एरिया हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी की शिकायत की गई है, जिसकी वजह से हामिला खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुजूराबाद एरिया हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे से दर्द में मुब्तला 6 हामिला खवातीन को बेहोश करने की दवा देने वाला कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है। बेहोशी के डॉक्टर ना होने की वजह से सीजरियन ऑपरेशन रोक दिए गए। ఇక్కడ పేషెంట్స్ పూర్తి స్థాయిలో అవస్థలు పడతారు, వాళ్ళకి యూరిన్ బ్యాగ్స్ పెట్టిర్రు, ఒక పక్కకు తిరిగితే ఇంకొక పక్కకు తిరగలేని పరిస్థితి, వాళ్ళ అవస్థలు పారైతారు. అవసరమైతే మీరు ఒకసారి ఢిల్లీ వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ కూడా తీసుకోరు. ఇంత నిర్లక్ష్యమైన వైఖరి హుజూరాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో నెలకొన్నది. ఇక్కడ పేషెంట్లను వాళ్ళ అటెండెంట్లను అడిగి పూర్తి స్థాయిలో మీరు విచార దీని గురించి ఎంక్వైరీ చేసుకున్నా కూడా వాళ్ళు ప్రతిదీ కూడా మీకు సమాధానం ఇస్తారు. పేషెంట్ తీసుకొచ్చినది ప్రభుత్వ మా నాన్న ఒక సర్పంచ్ సంబంధించిన కుటుంబ సభ్యులు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో డెలివరీ అయితే ఒక గొప్ప పేరు ఉంటుంది అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ తీసుకొచ్చి నా బిడ్డను ఫస్ట్ కూడా ఇక్కడ ఫస్ట్ పాప ఇక్కడనే డెలివరీ అయింది. అప్పుడు శ్రీకాంత్ రెడ్డి సాబ్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడనే చేపించినాం. అదే నమ్మకంతో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మీద పూర్తి నమ్మకంతో ఇక్కడికి వచ్చిన, కానీ ఇక్కడికి వచ్చే వరకు పొద్దున 10 గంటలకు జాయిన్ అయినా ఇప్పటి వరకు కూడా కనీసం కూడా వాళ్ళు స్పందన లేదు. ఒక RMO గారికి ఫోన్ చేస్తే ఒక రకమైన సమాధానం చెప్తారు సూపరింటెండెంట్ గారు, ఇంకో రకంగా మా DMHO గారికి ఫోన్ చేస్తే అది రాంగ్ నెంబర్ కంప్లీట్ గా లిఫ్ట్ చేయలేదు. ఇప్పటి వరకు ఇట్లుంది పరిస్థితి. ప్రస్తుతం అయితే ఒకసారి పూర్తి స్థాయిలో పేషెంట్లను కూడా అడిగి మీరు విచారించి తెలుసుకోండి అది కూడా. संगरेड्डी जिले के जहीराबाद हाईवे पर ऑक्सीजन सिलेंडर से लदी लारी उलट गई। इस वाकये के साथ ही बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। शहर के मलकाजगिरी, कापरा, OU, सिकंदराबाद और अतराफ के इलाकों में बारिश हो रही है। जल्द ही शहर के वस्ती और मगरबी इलाकों में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। मेदक जिले के नारायण खेड़ा मंडल के संजीव राव पेट गांव में आलूदा पानी पीने से 100 अफराद की तबीयत खराब हो गई। इस वाकये में 2 अहदेदारों को मुअत्तल करते हुए मिशन भागीरथा के ENC कृपा रेड्डी ने अहकाम जारी किए। इस वाकये की मजम्मत की जा रही है। जिम्मेदारों में शामिल ग्रेड AE रवि कुमार और AE श्रीकांत को मुअत्तल करने के अहकाम दिए गए हैं।
हुकूमत की जानिब से 10 माह से किराया अदा ना करने की वजह से जयशंकर भोपालपल्ली जिले में मकान मालिक ने अखिलेती अखामती स्कूल को ताला लगा दिया। इस मालिक मकान ने कहा कि कई मरतबा हुकूमत को तवज्जो दिलाने के बावजूद किराया अदा नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो ताला डालने पर मजबूर हो गया है, जिससे तलबा को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासती वजीर सीतक्का ने नाचारम में तेलंगाना फूड्स के दफ्तर और फैक्ट्री का अचानक मुआयना किया। टीजी फूड्स आंगनवाड़ी मराकज को मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया फराहम करता है। वजीर सीतक्का ने खाने पीने की अशिया के मियार और माहौल के सफाई का तफसीली तौर पर जायजा लिया। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग यूनिट का भी मुआयना किया और काम के अमल के बारे में तफसीलात से वाकिफियत हासिल की। जमीयतुलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने महाराष्ट्र हुकूमत के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने इसे रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी का नतीजा करार दिया। मौलाना मदनी ने मरहूम सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी और उनके अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार करते हुए कहा कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बढ़ता हुआ असर तश्वीशनाक है। उन्होंने फिरकावारियत और गुंडागर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने की अपील की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि शहरियों के तहफ़ को यकीनी बनाया जाए और मुजरिमों को फौरी कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।